इसमें एक निवेदन मेरा यह था कि आप चूंकि आपकी कई ब्रांचें हैं, होता ना कि एक बड़ा कारोबारी होता है उसकी कई ब्रांचें होती, आप बड़ी पार्टी हैं, कई राज्यों में आपकी सरकार है और केंद्र में सरकार है, सब आप केंद्र से शुरू करते और हर राज्य में लागू करा देते, सबसे बड़े सूबे में पहले लागू कराते, हरियाणा तो इतना सा है, उत्तर प्रदेश में काहे नहीं लागू किए और केंद्र में क्यों नहीं किया? आपको लग रहा है ये दवा अच्छी है खांसी की, तो हरियाणा में क्यों थी पहले, पहले पूरे देश भर में दे देते? नहीं, अगर अगर अमिताभ जी यही हम अगर उत्तर प्रदेश में किए रहते और यही हम अगर महाराष्ट्र में किए रहते तो यहीं पे बैठे विपक्षी पार्टियों के जो नेतागण हैं वो कहते हैं कि चुनाव आ गया तो नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत थी? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, उपचुनाव है ना अभी। अरे अच्छा, एक मिनट रत्नाकर जी, इतनी जल्दी नहीं भागो, उपचुनाव में वोट पड़ जाएगा 13 तारीख को यूपी में, क्या मेरे ख्याल से 13 में पड़ जाएगा, 14 तारीख को भोरे भोरे लागू कर दो, 14 तारीख लिख लो मेरे सुझाव डेट, 14 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आदेश राजाज्ञा निकलवा दो, कौन सी पुलिस पकड़ रही? नहीं देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दलित और वंचित समाज के लिए खड़ी है, कल हमने हरियाणा में किया और आने वाले कल में हम उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां पे भी हमारी सरकारें हैं वहां पे हम करेंगे, क्योंकि हमारी मंशा है कि दलित समाज, ओबीसी समाज को आरक्षण का और सभी वर्गों को उसमें फायदा मिले, हमारी मंशा ही है। हमारी मंशा उस पर राजनीति करना नहीं है, राजनीति करने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा, मैं अशोक भाई के पास चलूंगा, लेकिन मैं हम इस तरह के तर्कों से कई बार क्षुब्ध हो जाता हूं। आप 10 साल से सरकार में है, हुकूमत है, दुनिया कहानी छोड़ो, ये तो अभी नया पंडारा बॉक्स खुल गया, ये दलित में आरक्षण में वर्गीकरण, पिछड़ों के आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, इसके लिए तो एक कमीशन बन गया, वो कमीशन को भी याद नहीं कि उसकी कितनी बार तारीखें बढ़ी, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट दे गया, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दी, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दी, कहीं किसी ने रोका है? नहीं, क्यों नहीं लागू कर दी? और सोमवार को यहां करेंगे, मंगल को वहां, बुध को, ये कोई पंडित जी ने तो मुहूर्त बताया नहीं, जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं लागू कर दी? अशोक जी, जो कुछ चीजें आपने देखी, कांग्रेस कह रही है कि मायावती जी का बी टीम है और सी टीम है और उनका मोटिव ये, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा, मोटिव किसका क्या है, वो मायावती जाने मोटिव क्या है, मैं तो इतना जान रहा हूं कि कांग्रेस को अगर ये दवा अच्छी लग रही या ये लड्डू अच्छा लग रहा है तो केवल कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना क्यों, राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा करें, और भाजपा को अगर हरियाणा में ये लड्डू अच्छा लग रहा है तो पूरे भारत में क्यों नहीं? अशोक जी देखिए, अमिताभ जी मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें से किसी को शेड्यूल कास्ट का सोशल कंपोजिशन के बारे में का था गा नहीं पता है, नहीं तो मैं सवाल है मेरा पूछे, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि शेड्यूल कास्ट में कितनी जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1 से लेकर 1000 तक है, वो बताएं शेड्यूल कास्ट में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आबादी, जिन जातियों की आबादी 10,000 से कम है, कितनी जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, कितनी जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 5 लाख से कम है, कितनी जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है, बताए कोई मेरे को, जातियों की नंबर बताए मेरे को, मैं तो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं इन नेताओं से जिनकी पॉलिटिकल पार्टी वर्गीकरण या ना वर्गीकरण या उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं, मैं फंडामेंटल सवाल पूछ रहा हूं कि अनुसूचित जातियों के बारे में आपके पास जानकारी क्या है, आपकी पार्टी के पास जानकारी क्या है, भाजपा के पास अनुसूचित जातियों के बारे में क्या जानकारी है, बसपा के पास अनुसूचित जातियों के बारे में क्या जानकारी है, कांग्रेस के पास शेड्यूल कास्ट के बारे में क्या जानकारी है, समाजवादी पार्टी के पास क्या जानकारी है, बताएं हमें, अगर जानकारी नहीं है तो मुंह बंद रखिए और जो दलित कह रहे हैं उस बात को कान खोल के सुनिए, दलित ये कह रहे हैं और मैं बताता हूं, आंकड़ा बताता हूं मैं आपको अमिताभ जी, शेड्यूल कास्ट की 34% जो जातियां हैं 1195 में से 34% जातियों की आबादी
1000 से कम है देश में। ओह माय गॉड। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूं ना, ये जितने विद्वान यहां बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि पढ़ के रहा हो, समझो क्या बोल रहे हो, क्या आर्गुमेंट है। मायावती जी से भी कह रहा हूं मैं, आप देश में 28.20% जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है शेड्यूल कास्ट की, केवल शेड्यूल कास्ट की 6.19% जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 5,00,000 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं। मैं समाजवादी पार्टी के विद्वान साथी से पूछना चाहता हूं, तो मुझे बताएं उनकी क्या किस जाति की कितनी आबादी है 66 में से, 3-4 जातियों की जरूर पता होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मसला है, और मेरा दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय के लर्नेड जस्टिस ने उनको पता नहीं है शेड्यूल कास्ट के बारे में, और बिना तथ्य जाने उन्होंने ये गलत सुझाव दिया है, और इसको हम चैलेंज करने वाले हैं। इसलिए हमने भारत बंद किया था कि हमारे बारे में जाने बिना हमारे बारे में फैसला मत कीजिए। जी, इतना कहना चाहता हूं। ने बहुत अच्छी बात बताई अशोक जी ने, हम सबको भी इनलाइटन किया। 60-62% मेरे ख्याल से हो गया, 34 और 28, 62,000 से 1,00,000 के बीच में जिसकी आबादी है अमिताभ जी, उनकी आबादी 21.89% है। हमारे पास तो एक एक जाति का आंकड़ा है देश का, हम जो बात कह रहे हैं छाती ठोक के कह रहे हैं। बताइए, कांग्रेस छाती ठोक के कहेगी, समाजवादी पार्टी छाती ठोक के कहेगी, भाजपा छाती ठोक के कहेगी कि उनका फैसला ठीक है? हम जो कह रहे हैं, हम आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। भारत सरकार आंकड़े क्यों नहीं पेश कर रही है बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए क्यों नहीं वो आंकड़े पेश कर रही है, वो टट्टी की ओर में शिकार क्यों करना चाहती है बताए हमें। वो ठीक उनके बीजेपी के पास चल रहे हैं। अशोक भाई, रत्नाकर जी, जो बात अशोक जी ने कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और मेरे ख्याल से सामान्य लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं है उतना विस्तृत तौर पर जितना अशोक जी का अपना रिसर्च है। अगर 80% से ज़्यादा दलित जातियां जो हैं वो 1,00,000 के आंकड़े को छू ही नहीं पाई, और जिसमें 34% तो ऐसे बता रहे हैं जो बिल्कुल 1,000 से भी कम है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला मामला हो गया क्या? ये तथ्य क्या संज्ञान में थे नायब सैनी के जब उन्होंने फैसला किया? देखिए ये अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूं अशोक जी को। ये जातियों के संख्या के आधार पे बहुत इनका जो है जोर है, मतलब वो संख्या के आधार पे सारी चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल SC ST का संख्या सबको मालूम है और उसके आधार पे आप उनको लाभ देने की कवायद कर सकते हैं। मेरा मानना ये है व्यक्तिगत रूप से, संख्या से ज्यादा जरूरी है कि जो भी समाज है SC ST में, भले ही 1,000 से वो कम है, उसको मिल रहा है क्या, उसका आरक्षण का लाभ उसको मिल रहा है क्या? महत्वपूर्ण चीज ये है। अरे आप सुन लीजिए, पूछे ना ये क्यों नहीं बता रहे सरकार में, तो ये बात सुन लीजिए भाई साहब, भाई साहब सुनिए, बीच में नहीं बोलिए प्लीज जी। आप अगर आपके पास बात बोलेंगे क्या नहीं, बात सुनने की भी क्षमता रखिए, बात करेंगे तो टोकेगा भी नहीं। अशोक भाई उनकी बात आ जाने दीजिए। जी 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 जी, मेरा कहना यह है कि भारतीय संविधान को उठाकर आप देख लीजिए, अनुच्छेद 246 में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया है कि हम जब भी जनगणना करेंगे तो जातीय जनगणना करेंगे, उसमें कहीं पे भी ये नहीं। तो आप हमारे ऊपर किस आधार पे और किस संविधान के तहत कह रहे हैं कि भारत सरकार को ये करना चाहिए? अरे भारत सरकार तो ये समझ रही है कि जो व्यक्ति जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, भले वो 1,000 से भी कम हो, भले वो 500 हो, भले वो 100 हो, उसको भी उस आरक्षण का लाभ मिलने का हक है, वो भारत का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। आप आरक्षण का लाभ, मैं तो विस्मित हूं ये चीज सोच के इनकी मानसिकता का। रत्नाकर जी, यहाँ एक मिनट रुकिए रत्नाकर भाई, एक मिनट रुकिए। मैं एक बात पूछ लूं, मेरे पास तो खैर आप सबसे कम बुद्धि है, रुक जाओ भैया नारायण जी।
मान लीजिए, हाइपोथेटिकल बात है, पूरे देश में दलित, किसी दलित जाति की संख्या 1,500 है पूरे देश में, क्या उसके लिए कोटा कैसे फिक्स करोगे दलित के टोटल रिजर्वेशन से? कौन सा कंप्यूटर लाओगे, कैसे फिर फिक्स करोगे, बताओ ना हमको। देखिए 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 अमिताभ जी, अगर हम पूरी अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय को अगर पढ़े हम, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा है और उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि आप डेटा सैंपल कलेक्ट करिए, उसके आधार पे जो है आरक्षण को लागू, कोटे के अंदर कोटा लागू करने का प्रोविजनिंग करिए। ये पूरा उन्होंने पूरा क्लियरली स्पष्ट तौर से कहा है। तो हम थोड़ी है कि आज तुरंत का तुरंत, हमें भी सर्वे करना है, हमें भी डेटा इकट्ठा करना है, उसके आधार पे हमें। एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये तथ्यात्मक तौर पर चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जो कोर्ट किया रत्नाकर जी ने, लेकिन सैनी ने, अरे सुन लो भाई बाबू, लेकिन सैनी ने लागू कर दिया और ताल ठोक की बोले लड्डू बांटो, क्या जो कहा था सो किया, नारा लग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नायब सैनी जिंदाबाद, क्या ऐसा नहीं उनने कहा कि अभी सर्वे कराएंगे और फलाना कराएंगे? नेता को रुकता है, घोड़े सवार आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, घोषणा की चल भैया। सिद्धरमैया ने नहीं कहा कि सर्वे कराएंगे, कहाँ है सर्वे? नहीं, रेवंत रेड्डी ने कहा सर्वे कर, कहाँ है सर्वे? अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुकिए। दूसरी चीज, सरकारें कैसे काम करती हमको पता है। विवेक नारायण जी की सरकार थी, चुनाव में जा रही थी, किसी विद्वान ने सलाह दे दी गांधी परिवार को, बोले जाटों के लिए रिजर्वेशन कर दो, क्या बुलाई कैबिनेट, ठोक दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पूछा गया विवेक जी कितने जाट हैं, बोले नहीं पता, कितने की स्थिति खराब है नहीं पता, कितने नौकरी में नहीं पता, तो बोले फिर आरक्षण कैसे लागू कर दिया, कंडेम करो। जो बात तो इसमें एक सबसे प्रामाणिक बात जो अशोक जी ने कही हुई है कि पहले ये तो बता दो हमको कि कर्नाटक में दलितों की जो सैकड़ों जातियां हैं, इनमें से कौन कितना भागीदारी पा चुका है, तेलंगाना में भी बता दो विवेक जी। नहीं, मायावती का इंटेंशन क्या है, इस पर बहस क्यों कर रहे हो? आपका इंटेंशन क्या है ये तो बता दो विवेक जी। और अमिताभ के यहाँ पे इंटेंशन की सारी बात है, बयान की बात हो रही, जिसपे आज चर्चा, आज जो अशोक भारती जी ने कहा, ये जो आंकड़े दिए तमाम, ये और जो आपने सवाल खड़े किए कि अगर 1500 आबादी देश में है तो उसके लिए आरक्षण कैसे हो सकता है, ये दोनों चीजें एक सवाल खड़ा करती हैं मायावती की मंशा के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो आया था, ये गाइडलाइन, ये आए हुए इतना गैप हो गया, उसके बीच में जो अशोक भारती जी कह रहे हैं कि हम उसके लिए कोर्ट जाएंगे ये करेंगे, या मायावती जी आप कहते हैं स्थापित लीडर इतनी बड़ी हैं वास्तव में हैं दलित वर्ग की, तो उन्होंने अब तक इसको लेके एक क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई करी? वो बयानबाजी ये सिर्फ जाहिर करती है, अगर वो चाहती तो बीजेपी से ही सवाल करती कि आप करिए कोर्ट, आप सरकार में हैं, आप कर सकते हैं, आप सरकार सवाल पूछती है, वो सवाल ना पूछ के वो एक कांग्रेस के संग उसको कह रही एक थैली चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि सीधे भाजपा सवाल नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्हीं के पीछे अपने भतीजे को हटाया था उन्होंने। भैया विवेक जी, आप विषय भटका रहे हो आज, ना हम कह रहे हैं मायावती किसी, आप माया, नहीं नहीं मायावती जी ने कहा तो मायावती जी का बयान क्यों आया, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, जो भारती जी कह रहे हैं मैं भारती जी की बात से सहमत हूं। मायावती जी क्या कार्रवाई कर देंगी, मायावती कहां दस्तखत कर देंगी, मायावती तो सरकार है नहीं, क्या कार्रवाई कर देंगी मायावती? सरकार से कहती, वो सरकार से कहती हूँ उनसे कि इस पे आप ये आंकड़े हैं, इसके लिए हमें कार्रवाई करने जा रहे हैं, इससे पहले आप कार्रवाई करिए, आप सरकार में हैं, ये मायावती जी ने क्यों नहीं कहा? अच्छा ठीक, एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए, अरे रुक जाओ भाई, कांग्रेस का बड़ा विचित्र तर्क है।